यूपी के उन्नाव में महिला को जबरदस्ती जंगल में खींच ले जाने वाले बदमाशों में एक गिरफ्तार, बाकी तीन बदमाशों की तलाश जारी। अमरोहा पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़, एक सिपाही घायल, भागने में कामयाब रहे बदमाश। यूपी के बस्ती में दो बच्चों के साथ मां ने किया आत्मदाह, खुदकुशी की वजह तलाशने में जुटी पुलिस। यूपी के बांदा में 6 साल की बच्ची से रेप, रिक्शा चालक ने 8 साल और 6 साल की बच्चियों को किया था अगवा। कानपुर में मल्टी लेवल पार्किंग के अंडरग्राउंड वायरिंग में शॉर्ट सर्किट से आग, चपेट में लिए गए दो संदिग्ध, मानव तस्करी की आशंका। यूपी के हमीरपुर में चित्रकूट एक्सप्रेस का इंजन फेल, 3 घंटे खड़ी रही ट्रेन। कानपुर में दारोगा की हत्या पर शुरू हुई राजनीति, योगी सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी के विधायक का धरना। उत्तर प्रदेश के देवबंद में उज्ज्वला योजना में धांधली करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में हड़ताल पर गए सफाई कर्मी, रविवार को छुट्टी कैंसिल होने समेत कई मुद्दों से है नाराज। मथुरा में 25,000 के इनामी बदमाश समेत 5 आरोपी गिरफ्तार, पकड़े गए बदमाशों पर हत्या का भी केस। शाहजहांपुर में जमीन विवाद को सुलझाने पहुंची पुलिस पर फूटा ग्रामीणों का आक्रोश, दारोगा सिपाही चोटे। फिरोजाबाद में दबंगों ने दलित लड़की की नहीं होने दी शादी, इंसाफ के लिए थाने पहुंची लड़की। यूपी के मेरठ में एक युवक को लड़की के परिजनों ने पीटा, लड़की से बात कर रहा था युवक। बिजनौर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कोर्ट परिसर में जोड़े के साथ की मारपीट, धर्म परिवर्तन पर शादी करने पर लगाया आरोप। दिल्ली के एलजी का बड़ा बयान, बोले ट्रांसफर मेरा अधिकार, जिसे हो दिक्कत हो जाए कोर्ट। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगाया काम में अड़ंगे का आरोप। दिल्ली सरकार ने घर घर राशन की डिलीवरी को दी मंजूरी, आपत्तियों को किया दरकिनार। दिल्ली की जंग में शिवसेना ने केजरीवाल के लिए दिखाई सहानुभूति, कहा चुनी हुई सरकार को काम न करने देना अन्याय। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में भी पॉलिथीन बैन, 15 जुलाई से लागू होगा नियम। बंगाल में रणनीति के लिए राहुल ने किया 3 घंटे का मंथन, राज्य के नेताओं से अलग अलग मुलाकात। बिहार के बांका में नदी में नहाने गए 3 बच्चों की डूबकर हुई मौत, ग्रामीणों ने 4 को बचाया। बिहार के मोतिहारी में पानी में तैरता मिला एक ही परिवार की 2 बच्चियों का शव, डूबकर हुई मौत। पटना में राहिन को लेकर इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में हंगामा, सीनियर और जूनियर छात्रों के बीच भिड़ंत। नालंदा में हत्या के आरोपी पर टूटा लोगों का गुस्सा, बचाव करने पहुंची पुलिस पर भी हमला। बिहार के हाजीपुर में लापरवाही की भेंट चढ़ा 1,000 क्विंटल सरकारी अनाज, बारिश में खुला रहा अनाज। दिल्ली के बुराड़ी से गीता माता नाम की तांत्रिक को क्राइम ब्रांच ने दी क्लीन चिट, पुलिस ने आज की थी पूछताछ। दिल्ली पुलिस ने घर से निकाले स्टूल्स, इन्हीं स्टूल्स पर चढ़कर परिवार के सदस्यों ने लगाई थी फांसी। दिल्ली के बुराड़ी केस में ललित की डायरी के हवाले से नया खुलासा, पिता के अलावा 4 आत्माओं के संपर्क में रहने की बात दर्ज। 9 जुलाई 2015 को डायरी में लिखा था 5 आत्माएं अभी मेरे साथ भटक रही हैं। 11 लोगों की मौत के बाद आसपास रहने वाले लोगों में दहशत, पड़ोसियों ने मकान के अंदर से अजीबोगरीब आवाज आने का किया दावा। दिल्ली के प्रीत विहार में कारोबारी को बंधक बनाकर लूट, 15 लाख कैश, 10 लाख के गहने लेकर फरार हुए बदमाश। दिल्ली के मंडावली में नकली पुलिस बनकर लूटपाट, घर में थे बच्चे, परिवार गया था अमरनाथ की यात्रा पर। रेप के आरोपी दादी महाराज की अब तक गिरफ्तारी नहीं, हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार। एम्स में भर्ती मरीज को लगाने के लिए भोपाल से लाया गया अतुल लोखंडे का दिल, एयरपोर्ट से एम्स तक बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर। तंजानिया से फेफड़े का इलाज कराने आए 1 साल के मासूम को मिली नई जिंदगी, अपोलो अस्पताल में हुआ सफल ऑपरेशन। मुंबई के जुहू बीच पर समंदर में डूबे 5 युवक, 3 का शव बरामद। मुंबई के पास खंडाला में मुंबई मदुराई एक्सप्रेस का आखिरी कोच पटरी से उतरा, रेलवे का बयान, नहीं हुआ कोई नुकसान। मुंबई में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, हादसे में 2 घायल। मुंबई में पिता की लंबाई को लेकर फप्तियां कसने का विरोध करने पर बेटे की हत्या, 5 आरोपी गिरफ्तार। हल्द्वानी में मामूली विवाद में पूर्व फौजी ने दुकानदार को मारी गोली, आरोपी को लोगों ने जमकर पीटा। जम्मू कश्मीर के त्राल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मोहम्मद अशरफ भट्ट के घर पर आतंकी हमला, हमले में नहीं हुआ कोई नुकसान। शोपियां में शहीद कांस्टेबल जावेद अहमद डार के जनाजे में उमड़ा जन सैलाब, आतंकियों ने अपहरण कर कत्ल किया था।
कार में सवार होकर आए थे आतंकी। बंदूक की नोक पर किया था अगवा, कुलगांव में मिला शव। हिजबुल ने ली हत्या की जिम्मेदारी, 3 हफ्ते पहले इसी इलाके से जवान औरंगजेब को भी किया था अगवा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में इमाम को अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली, गंभीर हालत में श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 2 मददगारों को किया गिरफ्तार, एक जिंदा ग्रेनेड, एक चाइनीज पिस्टल बरामद। टेरर फंडिंग मामले में अलगाववादी नेता हसन राबी को 10 दिनों की एनआईए रिमांड, दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में हुई थी पेशी। पुंछ के मेंढर में सेना और पुलिस ने आतंकियों के ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार किया बरामद, पाकिस्तानी करेंसी भी जब्त। पंजाब के संगरूर में शराबी पुलिसकर्मी सस्पेंड, वीडियो वायरल होने के बाद हुई कार्रवाई। लुधियाना में पति को नींबू पानी में नशीला पदार्थ पिलाकर गहने और रुपए लेकर फरार हुई पत्नी, 1 हफ्ते पहले हुई थी शादी। राजस्थान के अलवर में सीसीटीवी में दर्ज हुई हत्या की वारदात, आरोपी गिरफ्तार। फीस बढ़ोतरी को लेकर बीकानेर में फूटा छात्रों का गुस्सा, कॉलेज के गेट पर जड़ा ताला। अजमेर में प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद काबू। राजस्थान के चूरू में सामने आई बैंक लूट और हत्या की कोशिश की तस्वीरें, 3 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के भरतपुर में रेप पीड़िता ने मांगी इच्छा मृत्यु, रेप के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न होने से दुखी। एमपी के इंदौर में छेड़छाड़ से परेशान लड़की ने कर ली खुदकुशी, आरोपी हुआ गिरफ्तार। मंदसौर में रेप पीड़ित बच्ची से अस्पताल जाकर जज ने दर्ज किया बयान, 2 घंटे तक कमरे में पुलिस के जाने पर भी थी रोक। मध्य प्रदेश के श्योपुर में छेड़खानी कर रहे मनचले को 2 बहनों ने पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। एमपी के रायसेन में 20 लाख कीमत का 7 क्विंटल गांजा जब्त, ट्रक के जरिए भोपाल की ओर जा रहा था गांजा। एमपी के सागर में किसान ने की खुदकुशी, कर्ज से परेशान था किसान। फरीदाबाद में ड्रग सप्लाई के आरोपी नाइजीरियन के साथ मुठभेड़, मुठभेड़ में मारा गया चार्ल्स माइकल। फरीदाबाद में शराब के नशे में महिला का हंगामा, पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। हिसार के हांसी सब डिपो के ड्राइवर का झूमते गाते बस चलाने का वीडियो वायरल, अधिकारियों ने दिए जांच के आदेश। हरियाणा के जिंद में महिला की खुदकुशी के बाद भिड़े ससुराल और मायका पक्ष, जमकर चले लात भूसे। हरियाणा के हिसार में अपहरण के बाद युवक की हत्या, आरोपी फरार। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में इंस्पेक्टर ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली और की खुदकुशी, आत्महत्या की वजह तलाशने में जुटी पुलिस। कोलकाता में 2 साल की बच्ची के साथ टीचर ने की अश्लील हरकत, स्कूल के बाहर अभिभावकों का हंगामा। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में पति ने की पत्नी की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। कोलकाता में जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों का हंगामा, वीसी के खिलाफ नारेबाजी। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्यों ने फूंका प्रदेश के शिक्षा मंत्री का पुतला। झारखंड के बोकारो में अनियंत्रित होकर पलटा एलपीजी सिलेंडर से लदा ट्रैक्टर टैंकर, ड्राइवर घायल। झारखंड के धनबाद में शव रखकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर फूटा पुलिस का गुस्सा, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज। रांची में बच्चों को बेचने के आरोप में मिशनरी ऑफ चैरिटी की 2 नंस हुई गिरफ्तार। झारखंड के चाईबासा में रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट पर शराबी का हंगामा, लोगों ने जमकर पीटा। झारखंड के चकुलिया में रिहायशी इलाके में घुसा हाथी, लोगों में दहशत। छत्तीसगढ़ के कोडागांव में नक्सलियों का सहयोगी गिरफ्तार, नक्सलियों के लिए ले जा रहा था विस्फोटक सामग्री। बिलासपुर पुलिस ने पूर्व बीजेपी विधायक के 2 बेटों को किया गिरफ्तार, पुलिस से मारपीट का आरोप। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नाबालिग छात्रा का सहपाठी छात्र ने बनाया एमएमएस, नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया बाल सुधार गृह। गुजरात के भरूच में केमिकल फैक्ट्री में आग, 2 कर्मचारियों की मौत, 6 घायल। पंजाब के फरीदकोट में गिफ्ट शॉप में लगी भयानक आग, लाखों का सामान जलकर खाक। अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी की कार्रवाई, झंडेवालान इलाके में कई दुकानें ध्वस्त। दिल्ली में मरीजों के साथ खिलवाड़, बिना इंश्योरेंस और बगैर कागज के दौड़ रही है करीब 50 एम्बुलेंस। लखीमपुर में पेट्रोल पंप से निकल रहा है पानी, ग्राहकों ने की शिकायत तो पुलिस ने वापस कराए पैसे। असम के माहौल में बच्चा चोरी के आरोप में 3 साधुओं की पिटाई, सुरक्षा बलों ने बचाई जान। केरल के कोट्टायम में पुलिस के सवालों से तंग आकर पति पत्नी ने की खुदकुशी, चोरी के मामले में पुलिस कर रही थी पूछताछ। हैदराबाद में चार मीनार के पास ड्रोन उड़ाना पड़ा महंगा, 26 साल की लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
हैदराबाद के दिलकुश नगर में थाने को लेकर विवाद, होटल मालिक ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। कोल्लम में नकली नोट छापने के आरोप में अपनी मां के साथ केरल की टीवी अभिनेत्री सूर्या गिरफ्तार, 2 लाख के नकली नोट जब्त। हैदराबाद में हार्डवेयर की दुकान में आग, बड़े नुकसान की आशंका। विजयवाड़ा में एक भिखारी ने नारियल अभिषेक के लिए दिए 1 लाख रुपए, मंदिर के बाहर ही मांगता है भीख। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश बनी मुसीबत, हल्द्वानी में वन विभाग गश्ती दल को किया अलर्ट। ऋषिकेश में NH-58 पर चट्टान खिसकने का सिलसिला जारी, दोनों तरफ फंसी गाड़ियां। कौडियाल के पास ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार गिर रहा है मलबा। उत्तराखंड के जोशीमठ में सामने आए प्रशासन की अनदेखी, जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे लोग। यूपी के बस्ती में मूसलाधार बारिश से बढ़ा घाघरा का जलस्तर, 2 दर्जन से ज्यादा गांवों पर बाढ़ का खतरा। महाराष्ट्र के नागपुर में बारिश के बाद शहर में सैलाब, स्कूल बस डूबी, स्कूल में बच्चों को किया गया रेस्क्यू। मूसलाधार बारिश से नागपुर विधानसभा भी पानी पानी, विधानसभा की बत्ती गुल। असम में भीषण बाढ़, 7 जिलों के 82 गांवों में बाढ़, 50,000 से ज्यादा प्रभावित। असम में बाढ़ से करीब 490 हेक्टेयर की फसल बर्बाद, बाढ़ से अब तक गई 39 की जान। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बारिश का पानी घरों में घुसा, नाराज लोगों ने स्टेट हाईवे पर जाम लगाया। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।